एसएमएस अस्पताल में दुर्लभ ऑपरेशन, सीटीवीसी सर्जन्स ने किया सफल ऑपरेशन। गोलीकांड में घायल भरतपुर के 35 साल के युवक को नया जीवन दिया है। 3 दिन पहले अस्पताल लाया गया था। चिकित्सकों के मुताबिक हार्ट को छूती हुई छाती में गोली फंस गई थी। आमतौर पर ओपन हार्ट सर्जरी से गोली निकल जाती है। डॉक्टर्स ने दूरबीन की सहायता से सीने में फंसी गोली निकाली। आपको ये जानकारी और साथ ही साथ ये वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे ये सामने आया टेस्ट के बाद में कि गोली फंसी हुई है। ये गोली जो हार्ट के पास में फंसी हुई थी, हार्ट को छूती हुई छाती में लगी थी और वहां पर फंस गई थी, लेकिन अब सीटीवीसी सर्जन्स ने सफल ऑपरेशन कर दिया है। ये दुर्लभ ऑपरेशन हुआ है और ये दुर्लभ ऑपरेशन सक्सेसफुल यानी सफल भी रहा है। भरतपुर के 35 साल के युवक को नया जीवन दान दिया है। 3 दिन पहले अस्पताल में ये युवक लाया गया था। चिकित्सकों के मुताबिक हार्ट को छूती हुई छाती में ये गोली फंस गई थी। आमतौर पर ओपन हार्ट सर्जरी से ही गोली निकलती है। डॉक्टर्स ने दूरबीन की सहायता से सीने में फंसी गोली को निकाला है। और सत्वीर हमारे साथ उस खबर पर जुड़ गए हैं। सत्वीर, जानकारी दीजिए, ये ऑपरेशन कब हुआ, सफल ऑपरेशन हुआ है? दूरबीन के द्वारा बताया जा रहा है कि ये गोली जो है वो निकाली गई है। जी देखिए, जिस तरीके से ये मामला सामने आया उससे एक बात साफ है कि भगवान जो रूप डॉक्टर को दिया जाता है तो वैसा ही जो काम है वो डॉक्टरों की टीम ने आज यहाँ पर एसएमएस अस्पताल में किया, जहाँ पर जो गोलीकांड में एक जो युवक है 35 साल का वो घायल हो गया था, उसकी गोली यहाँ पर लगी थी। उसके बाद में उसे 3 दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था और भर्ती कराने के बाद में उसकी पूरी जो जांच है वो यहाँ पर की गई थी। ज्यादातर जो इस तरह की जो इलाज होता है उसके अंदर ओपन हार्ट सर्जरी से ही ये गोली है वो निकाली जाती है, लेकिन इससे दौरान जो चिकित्सकों की जो पूरी टीम है जिसमें जो वरिष्ठ सर्जन है डॉक्टर अनिल शर्मा, उनके निर्देशन में मोहित शर्मा, डॉक्टर सुनील दीक्षित, डॉक्टर सौरभ मित्तल, शेफाली गोयल, इंदु वर्मा और अतिबा ने इस ऑपरेशन को किया था, जिससे जो दूरबीन की सहायता से इस गोली को यहाँ पर निकाला है। तो एक माना जा सकता है कि एक नया जीवन दान यहाँ पर जो युवक है उसको यहाँ पर मिला है। फिलहाल जो डॉक्टर है उनका कहना है कि काफी जो समस्याएं उनके सामने यहाँ पर आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और उसके बाद में ही वो जो गोली है वो दूरबीन की सहायता से निकाली गई है। ये पहला मामला कहा जा सकता है जिस तरीके से जो डॉक्टरों की टीम ने यहाँ पर, ठीक है, अपने आप में पहला ये मामला। और नवाचारों के लिए एसएमएस अस्पताल जाना जाता है और एक और नई सफल ऑपरेशन, नए तरीके से ये ऑपरेशन किया गया जो सफल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्वीर तमाम जानकारी के लिए।